हमने काबू किया है मिस्टर बलकशीर खोसा साहब को, जो कि एक वकालत में अपना मुकाम आप रखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर सर। माय क्वेश्चन इज कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी है लॉग एक्ट के बारे में, उसमें जो स्टूडेंट्स को जो भी डैमेजेस फेस करने पड़ेंगे या जो भी हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बात, आपने मुझे काबू नहीं किया, आपकी मोहब्बत में मैं आ गया। थैंक यू सर। मेनू है ना, तो सीखो कि मेनू काबू कर ले। काबू तो मुझे कोई नहीं कर सकता, जो मोहब्बत रिस्पेक्ट बादबानसी एग्जैक्टली और जो दिल से इज्जत करता है। प्रोफेशनल वकील है, मुफ्त की रोटी नहीं खाता, मुफ्त की शाम की एक्टिविटीज कैंडिडेट की जेब में से नहीं निकालता, ब्लैकमेल करके कैंडिडेट से पैसे नहीं मांगता, मेरी जान भी उसके लिए आती है। और जो इस किस्म के हैं उन पर खुदा की भी लानत पड़ती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बशारत नहीं होती। ये दीन की और दुनिया की बात कर रहा हूँ और ये सच है। अगर किसी ने मेरे साथ कन्फ्रंट करना है इस बात पे, पीछे बैठ कर बैक बाइट ना करें, सामने आकर बात करें। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा ऑर्डर पास किया है, बिल्कुल ठीक किया है। हम जब एडमिशन लेते हैं, या मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, हम जब लाइफ में पेट्स पालना चाहते हैं तो हम शॉप पे जाते हैं और पूछते हैं कि मुझे पेडिग्री, इसकी पेडिग्री क्या है, स्विट्जरलैंड का है, वो कहता है, आप कहता है मुझे पेडिग्री दिखाए, लंदन का है पेट, ऑस्ट्रेलिया का है या किसी भी फॉरेन कंट्री का है, यू ऑलवेज गो फॉर द पेडिग्री। मुझे समझ नहीं आती, जब आप लॉ कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तो उसकी कंफर्मेशन क्यों नहीं आप करते कि वो रजिस्टर्ड भी है कि नहीं, आप जाके एडमिशन ले लेते। दिस इज ए वन वे स्टोरी जो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर किया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी बिल्कुल ठीक है, बिकॉज इट इज इंटरिम, दूसरी पार्टी को सुना नहीं गया। अब दूसरी पार्टी इसमें है पाकिस्तान बार काउंसिल, प्रोविंशियल बार काउंसिल, ये काफी नहीं। इसमें पार्टी है वो बच्चा बच्ची जो 4 साल से, 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से या फाइनल ईयर में पढ़ रहा है, उसकी नुमाइंदगी जरूरी है, उसकी रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और कुरान पाक में रब ने कहा, जब इबलीस ने कहा कि मैं इसको सजदा नहीं करूं कि मैंने खुद अपने हाथ से बनाया है, गंदी मिट्टी से बनाया है, तो रब काबा ने राइट ऑफ ऑडियंस दिया, एक ब्रश नहीं कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट एक ब्रश नहीं करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अल्लाह के कानून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाली है। लेकिन आपकी नुमाइंदगी कौन करे ये आप पे डिपेंड करता है, आपने प्रोफेशनली किसको वकील रखना है ये आप पे डिपेंड करता है, जो बोल भी सके, जो सुप्रीम कोर्ट को, जो जजेस बैठे हैं उनकी भी औलादे हैं, सारी जिंदगी सुप्रीम कोर्ट का जज चीफ जस्टिस नहीं रहता, रिटायर होते हैं, अल्लाह को जवाब देना है। हम गलती करेंगे तो हम अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे कि हम तो नालायक और नकम्मे थे, जजेस की माफ़ी नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह कहता है मैंने तुझे अपने इख्तियार दिए हैं, तो लिहाजा हमारी वो सुनेंगे, हमारे बड़े हैं वो, हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। उन लॉ कॉलेजेस को बेशक बंद कर दें जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं, हम उसके, ये सब बच्चे बच्चियां उसके खिलाफ हैं, लेकिन जो 4 साल से 5 साल से पढ़ रहा है, फीसें नहीं है, आपने कहा फीसें वापस कर दो, गलत है ये, कानूनन भी गलत है, फंडामेंटल जो कॉन्स्टिट्यूशन है राइट्स इन्फ्रिंज किए हैं उसके भी खिलाफ है, और ये कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के भी खिलाफ है। अगर मौका मिला तो जरूर ये बात करेंगे हम सुप्रीम कोर्ट में, इट डिपेंड्स अपॉन यू आपने क्या करना है। थैंक यू सो मच सर। सर इट मीन्स के जो भी इस टाइम लॉ एक्ट के इफेक्टिव हैं ऑल अक्रॉस द पाकिस्तान, जिन बच्चों की डिग्रियाँ बहाउद्दीन ज़िकरिया यूनिवर्सिटी ने कैंसिल कर दी हैं, जो सील ऑर्डर्स दिए गए हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं कि व्हाट्स द सॉल्यूशन, अभी वो क्या करना चाहिए उन्हें, वो क्या करें राइट नाउ, ताकि वो उस जो डैमेजेस हैं उनसे वो बाहर आ सके और इसकी कोई रेमेडी। लेकिन पिछले साल नवंबर में मैं ही पेश हुआ था लॉग एक्ट रिलीफ मिली थी इन सबको, मैं पूरे पाकिस्तान में गया सर, ऑन द रिकॉर्ड बात है, देखिए रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। उसके बाद ये स्टूडेंट्स को कोई किसी मेंबर के पीछे लग गया, कोई किसी सदर के पीछे लग गया, कभी किसी के पीछे, किसी के पीछे, कुछ नहीं बना इनका, बिल्कुल इसी तरह, बिकॉज वो अपनी दुकानदारी कर रहे थे, अपने दुकान का मंजन बेच रहे थे सर, वो बस ये होता है कि बुलाते हैं और स्ट्राइक्स करवाते हैं और बस, एंड दैट्स ऑल।
चलेंगे अभी छोड़ दे, वो उनका जो है वो है. आई डोंट गो इन टू ब्लेम गेम, आई डोंट गो इन टू नेगेटिव इम्पल्सिव थॉट्स. ठीक है, बाकी जो आपने बात की इलेक्शंस की और लॉयर्स के वेलफेयर, मेरा ख्याल है इलेक्शंस और लॉयर के वेलफेयर का, अगर एक कैंडिडेट इलेक्शन लड़ता है, सदर है, वाइस प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, तो ये वो पैसा मार के फंड में जाना चाहिए. मेरा ख्याल है ये इलेक्शन से बेहतर है जो 6-6 करोड़ जाता है और ये जाया होता है. मैं ये एडवाइस करूंगा, मैं ये एडवाइस करूंगा, गलत काम को तो रोक नहीं सकी पाकिस्तान बार काउंसिल ना पंजाब बार काउंसिल, ये रोटियां बैन है, ये बैनर फ्लेक्स बैन है. अगर ये इलेक्शन सिस्टम को कन्वर्ट कर दें ऑक्शन सिस्टम में या बोली सिस्टम में कि 6-2 कैंडिडेट है सदर और वाइस प्रेसिडेंट का, 4 कैंडिडेट है सेक्रेटरी के, वीपी के, और अगर ये स्टेज पे बिठा के इलेक्शन कमीशन भी बिठा के, मैं तो इस नतीजे पे पहुंचू. ठीक है, दैट्स राइट. मैंने तो इलेक्शन से विड्रॉ भी इसलिए किया था कि मैं ये रोटियां नहीं खिला सकता. मैं क्यों खिलाऊं रोटी, मैं क्यों इनकी शाम की एक्टिविटीज के लिए क्यों पैसा दूं, मैं क्यों हाई कोर्ट का इलेक्शन होता है तो रात को वेस्ट वेस्टर्न पर्ल कॉन्टिनेंटल फ्लैटीज के कमरे भरे होते हैं. इसी तरह बाकी आप समझते हैं वहां क्या होता है. ये बिठा दें, बोली लगवाएं, 6 करोड़ या 10 करोड़ तक जाती है, जो ज्यादा पैसे दे वो सदर है इस बार का, जो ज्यादा पैसे दे वो सेक्रेटरी है, जो ज्यादा पैसे दे वो मेंबर पंजाब बार है, जो ज्यादा पैसे दे वो मेंबर पाकिस्तान बार बना दे उसको. इट्स वेरी सिंपल. और ये पैसा मैं आपको बताऊं, ये मैं यंग लॉयर्स को कह रहा हूँ, ये सारा पैसा बार काउंसिल में जाए. Exactly. ये सारा पैसा बार काउंसिल में जाए और बार काउंसिल से जो वकील बेचारे हमारे गरीब वकील हैं, हमारे भाई हैं जो कमा नहीं सकते, जो आपसे और मुझसे मांगते हैं, और भाई मैं 10 को दे दूंगा, मैं 50, 100, 500 को नहीं दे सकता, ये रब्बे काबा देते हैं. अगर इस सिस्टम को हम ख़त्म नहीं कर सकते, ये रोटियां, ये फ्लेक्सेस, ये पैसे वोट खरीदने के लिए, तो हम इस पैसे को बचा सकते हैं और बार काउंसिल के फंड में जमा करा दें, ताकि ये बच्चों के लिए हम स्टाइपेंड फिक्स कर दें कि तुम ये काम करोगे महीने बाद तुम्हें पैसे मिलेंगे. आप खुदा की कसम अगर ये कर लें तो उस लानत से भी बच जाएंगे जिससे खुदा ने मना किया है, जो महफिलें जमती हैं, जो रातें बिस्तर जमते हैं, उससे भी जान छूट जाएगी, खुदा की नाराजगी से भी बच जाएंगे, और वो पैसा 8 करोड़ 10 करोड़ 6 करोड़ सीधा बार के फंड में जाएगा, और वो एक यंग लॉयर्स फंड होगा, या जो बेचारे वकील बुजुर्ग हो चुके कमा नहीं सकते, या जो बेवाएं हो गई हैं जिनके हवन फौत हो गए हैं जो वकील थे, ये सारा पैसा उधर जाएगा. तो खुदा की कसम दुआएं जाएंगी इन पाकिस्तान बार को, पंजाब बार को. स्टार्ट डूइंग दैट. तो ये बलकशीर खोसा साहब कह रहे थे कि जो 8 से 10 करोड़ पे इलेक्शंस पे जाया किया जाता है उसका सीधा टेंडर करवाएं, जो मेंबर इतना पैसा भरता है उसको जो है आप सीट दे दें, और वही पैसा जो है सारा ये लॉयर्स की जो है वेलफेयर के लिए, उनके बच्चों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए. थैंक यू सो मच फॉर काइंड वर्ड्स रिगार्डिंग लीगल फ्रेटर्निटी. थैंक यू सो मच. थैंक यू.